Hello students, how are you? Today we are going to discuss about honeybees and their social behavior, their characteristics about their colonies. We all know honeybees are social creatures, live within a colony with queen, thousands of workers, a few male drones. Workers make these nests from wax which they secrete from their abdominal glands. Within each cell यंग वर्कर्स प्लेस पोलन एंड एज फूड फॉर डेवलपिंग लारवी हम सब जानते हैं मधुमक्खी जो होती है एक सामाजिक प्राणी है वो कॉलोनीज में रहती समूह में रहती है और उनके जो छाते होते हैं हाइव जिनको कहा जाता है तो उनके अंदर एक क्वीन रहती है उनके एक थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स होते हैं कुछ मेल्स जिनको ड्रोन्स कहा जाता है और इनका जो है नेस्ट या जो छाते हैं उनका निर्माण वैक्स से होता है जो कि वर्कर्स जो होती हैं वो अपनी एबडोमिनल ग्लैंड से सिक्रीट करती हैं ये वैक्स जो सिक्रीट करती हैं पहले उसको काट काट के बहुत ही सॉफ्ट बना लेती हैं और उसके बाद इनका नेस्ट का फॉर्मेशन करती हैं और इनके अंदर इनके यंग जो वर्कर्स होती हैं उनके लिए उनको ये डेवलपिंग होती है उनको इसमें रखते हैं और उनको फूड प्रोवाइड करवाया जाता है हम सब जानते हैं कि जीव जगत में किसी भी समुदाय में अधिकतर जंतु या पौधे अलग अलग रहते हैं कि लेकिन फिर भी उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन्स चलती रहती हैं सो so, हम सब जानते हैं कि सभी प्राणियों के बीच में कुछ इंटरेक्शन्स चलती रहती हैं जंतुओं में इसी को सोशल बिहेवियर कहा जाता है जिसको सोशोबायोलॉजी हम कहते हैं जैसे हम किसी भी दो प्राणी के मध्य जो इंटरेक्शन जिसमें माँ या बच्चे के बीच में समझ सकते हैं या रिप्रोडक्शन पीरियड के अंदर मेल फीमेल में जो रिएक्शन चलती हैं तो उन सबको और ये जो रिएक्शंस या इंटरैक्शन जो होती हैं वो पॉजिटिव इंटरेक्शंस हों तो बिहेवियर जो है वो, हो, तो जो हो वो सोशल बिहेवियर की कैटेगरी में माना जाता है दो प्राणियों के मध्य इंटरेक्शंस में अप्रोक्सता वातावरण मध्यस्थता करता है यदि प्राणियों की कुछ जातियों में दो या दो से अधिक सदस्यों के परोक्ष रूप से इंटरेक्शन्स पाई जाती हैं और इन जातियों में जंतु एकल रूप में न रहकर सोशल पॉपुलेशन के रूप में रहते हैं जो डिफरेंट लेवल्स की हो सकती हैं सो so, हम जानते हैं कि हनी बीज जो होती है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बी होती है कई सारी स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं एपिस जिसमें एपिस इंडिका है एपिस डोसेटा है एपिस मेलीफेरा है तो कई सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और मेन इनका काम होता है जो ये हम जानते हैं सोशल एनिमल है और तीन तरह के इसके अंदर कास्ट पाई जाती हैं एक होती है क्वीन जो एग लेइंग करती है और जिसका काम कॉलोनी बनाना होता है दूसरा होता है मेल या जिनको ड्रोन्स कहा जाता है ड्रोन्स जो होते हैं वो उनका काम केवल स्पम जो है वो डोनेट करना होता है स्पर्म देना होता है उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता ना वो स्टिंग कर सकते हैं ना वो कॉलोनी की सेफ्टी कर सकते हैं तीसरी तरह की जो होती हैं स्टेराइल फीमेल्स पाई जाती हैं जो नॉन प्रोड्यूसिंग होती हैं या जिसको कह सकते हैं कि बंदे आदाएँ जिनको कह सकते हैं हम और ये जो होती हैं ये कॉलोनी का सारा काम करती हैं फ्रॉम ये बिल्डिंग बनाना वो क्लीनिंग करना उनके लिए स्टोर करना फूड और डेवलपिंग जो लार्वी होती है उनकी केयर करना तो इस तरह से दे आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग स्टोरिंग हनी फॉर लिक्विडिफाइड शुगर एज वेल एज बिल्डिंग इम्प्रेसिवली लार्ज नेस्ट यूजिंग वैक्स द हनी बी इज़ वन मेंबर ऑफ द इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा एंड दीज इंसेक्ट्स आर मेंबर ऑफ़ द सब फैमिली अपेनी विच प्रोड्यूस स्टोर लिक्विडिफाइड शुगर नोन एज हनी इनका बिहेवियर आप देखेंगे इन द वाइल्ड हनी बी हाइव्स आर ऑफन लोकेटेड इन द होल्स ऑफ द ट्रीज एंड ऑन द रॉक्स जंगलों में आप देखेंगे तो पेड़ों पे छत्ते लटते रहते हैं या रोक्स पे चिपके रहते हैं इज मेड फ्रॉम वैक्स फ्रॉम द स्पेशल एबडोमल ग्लैंड्स ऑफ द वर्कर्स वर्कर्स स्वीप अपे फ्यू फ्लैक्स ऑफ वैक्स फ्रॉम देर एबडोम चू दीज फ्लैक्स अंटिल द वैक्स बिकम सॉफ्ट वर्कर्स देन मोल्ड द वैक्स एंड यूज इट इन मेकिंग सेल्स फ्रॉम द हाई अनलाइक अदर बीज स्पीशीज हनी बी डू नॉट हाइबरनेट ड्यूरिंग कोल्ड कभी तो भी शीत निष्क्रियता इसमें नहीं पाई जाती ये क्या करती हैं कि अपने नेस्ट में चली जाती हैं अंदर ही रहती है स्टोरेज जो फूड होता है उसको काम में लेती हैं और नज़दीक रहती हैं बॉडी हीट को ये काम में लेती हैं हनी बी आर सोशल क्रिएचर्स एंड लिव इन कॉलोनीज हाव एवर दे डू नॉट डिस्प्ले सम एग्रेसिव बिहेव विद इन कॉलोनीज ड्रोन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम देयर नेस्ट ड्यूरिंग कोल्ड वेदर ये बाहर निकलते हैं ड्रोन्स जो होते हैं वो कोल्ड वेदर में एंड ए क्वीन विल समटाइम्स थिंग अदर क्वीन्स ड्यूरिंग मेटिंग फाइट्स ऑफ द डोमिनेंस क्वीन्स में कई बार फाइट्स हो जाती है फॉर डोमिनंसी के लिए मेटिंग uh, पीरियड के दौरान ऑल दो हनी बी सब अ सिग्निफिक कंट्रोल इन पोलिनेशन एंड इकोलॉजी हम सब जानते हैं हनी बीज जो होती हैं परागण की क्रिया में सहायता करते हैं इकोलॉजिकल इनका बेनिफिट भी होता है मेजर शुड बी टेकन टू इन्श्योर द हाई डू नॉट एग्जिस्ट इन क्लोज अप्रॉक्सिमेटी टू योर होम ंग हनी बीज का देखें तो लाइक सम अदर बीज स्पीशीज हनी बी आर सोशल एंड लिव इन कॉलोनीज नंबरिंग इन द थाउजेंड्स थ्री टाइप्स ऑफ एडल्टी बीजाइड द वन कॉलोनी क्वीन मेल ड्रोन एंड इनफर्टाइल फीमेल्स इन ईच कॉलोनी देर इज ओनली वन एग ले क्वीन बट देर आर थाउजेंड ऑफ वर्कर्स द क्वीन हनी भी मेड विद ड्रोन्स एस्टेब्लिश एन न्यू कॉलोनी एंड ले एक्स एक कॉलोनी जो होती है उसमें तीन कास्ट मैंने आपको बताया क्वीन होती है ड्रोन्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं जब तक एक क्वीन होती है तब तक दूसरी क्वीन का प्रोडक्शन या नहीं बन सकती और ये फेरोमोन्स के कारण होता है और जो बंधे वाले होती हैं जिनको वर्कर्स कहते हैं वो कभी भी अपनी कॉलोनी नहीं बसा सकती हैं वो केवल कॉलोनी की केयर के लिए और ग्रोइंग जो एग्स होते हैं लार्वीज जो होती हैं उनकी केयर करने के लिए जो होती हैं वो वर्कर्स पाई जाती हैं वर्कर्स जो होती हैं फॉर सेफ्टी मेजर्स भी होती हैं कुछ वर्कर्स जो होती हैं जिनके अंदर डंक पाया जाता है वो सेफ्टी के लिए होते हैं क्वीन्स ले एग्स इन द सेल्स ऑफ द नेस्ट एंड वेन दे हैच दे बिकम ला ईच कॉलोनी कंटेंट्स ओनली वन क्वीन हु इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टू थाउजेंड एग्स पर डे एक क्वीन जो है वो उसमें कैपेसिटी होती है दो हजार एग पर डे देने की एडल्ट वर्कर्स टेंड टू द लार्वी इन साइड द सेल्स एंड नीड देम विद फीड देम विद पोल एंड हनी एडल्ट जो वर्कर्स होती हैं वो लार्वी को सेल्स में रखती हैं और उनको जो है वो पोल्स देती हैं पराक्रण और उनको हनी देती हैं तीन सप्ताह तक

Usually do not produce their own eggs nor establish new colonies. They perform several important tasks. Young honeybee workers tend to larvae by secreting liquid from the abdominal glands. As workers mature, they become responsible for carrying and storing food together gathered by foragers. As strong adults, they forage for food until they die. बी सोसाइटी इज कंसिस्टेड ऑफ क्वीन विच द ओनली सेक्शुअली डेवलप फीमेल वर्कर्स बीच एंड ईज कॉलोनी हैज़ ओनली वन क्वीन प्राइमरी पर्पज ऑफ क्वीन टू रिप्रोड्यूज और हम ये आपको बता दें कि क्वीन जो होती है वो अपने पूरे लाइफ स्पान में जिसको कि तीन से लेकर पाँच साल तक का हो सकता है उसमें मल्टीपल ड्रोन से एक या दो बार मिलती है और वो उस टाइम में इतने स्पम्प जो वो कलेक्ट कर लेती है बॉडी के एक स्पेशल पार्ट में कि उसको लाइफ टाइम के लिए वो उन्हीं स्प्स को काम में लेती है वक्स जो सेक्सुअली अंडर डेवलप होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली एंड एंड रिक्वायर हैवी वर्क इन द हाइव दिस मीन्स रिगार्डिंग हाइव कॉम्प बिल्डिंग केयरिंग क्वीन क्लीनिंग पॉलिशिंग फीडिंग स्टोरिंग कलेक्टिंग नेक्टर पोलन चुनिंग नेक्टर ट्रांसफॉर्म टू हनी थ्रू एंजाइम्स तो इस तरह से हम देखते हैं ड्रोन डू नॉट हैव एस्टिंग थस दे कैन नॉट इवन गार्ड द हाइव अगेंस्ट इंट्रोडर्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी अदर ऑपरेशन ऑफ द कॉलोनी ड्रोन्स जो होते हैं वो किसी और चीज़ में भाग ले नहीं लेते हैं। ना उनके वो कोई स्टिंग होता है तो कोई भी सेफ्टी मेजर के लिए भी वो उनको काम में नहीं ले सकते तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सोसाइटी जो है ये सोशल सोशल बिहेवियर जो सोसाइटी के रूप में जो होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ उनके बेनिफिट्स भी होते हैं बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं कि एक तो कॉलोनीज़ के रूप में रहते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है सेफ्टी मिलती है समूह के रूप में रहने से और उनको क्योंकि वो एक झुंड के रूप में रहते हैं तो आसानी से कोई भी प्रेडेटर जो होता है उन पे अटैक नहीं कर सकता है दूसरा उनका फीडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है समूह बना के रहते हैं तो समूह बना के रहने से और साथ साथ घूमने से उनकी फीडिंग भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तीसरा जो होता है वो उनका कि इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज एंड बिहेवियर क्योंकि वो कॉलोनी में रहते हैं और बड़े सदस्यों के साथ रहते हैं तो इस तरह से उनके उनको देख के उनका नॉलेज बढ़ता है उनका बिहेवियर जो होता है वो उनके अकॉर्डिंग उनकी स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग ढल जाता है चौथा इसमें होता है रिप्रोडक्शन क्योंकि मेल फीमेल सारे साथ रहते पूरी कॉलोनी होती है तो इसमें रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पाँचवा इसमें तो आता है पेरेंटल केयर क्योंकि कॉलोनीज़ के सोसाइटीज़ के रूप में रहते हैं कॉलोनी एक समूह के रूप में रहते हैं तो पैतृक रक्षण की जो होती है वो एक इसके अंदर पाई जाती है बच्चों की केयरिंग जो होती है वो आसानी से हो जाती है और लिविंग अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट जो वातावरण है उसके अनुसार ढलने की उनके अंदर क्षमता उत्पन्न हो जाती है लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ जो होती हैं डिसडवाटेज सोशल ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं कि इसमें लेबर ऑफ डिवीजन कार्य का जो होता है वो विभाजन हो जाता है इसलिए सब प्रकार के प्राणियों में सारी क्षमताएं नहीं पाई जाती हैं दूसरा इनके अंदर होता है कि इनकी जो फूड सामग्री है घोंसला बनाना है आदि जो होती है वो इनके अंदर इनके अंदर एक जो होता है वो कंपटीशन पाया जाता है तीसरा इसके अंदर होता है कि अपनी जाति के सदस्यों को मारने की इनके अंदर प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है और इनका इंडिविजुअलिटी जो होती है क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं तो इंडिविजुअलिटी जो होती है व्यक्तित्व तो इनका खत्म हो जाता है क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं तो एक के अगर कोई डिजीज होती है तो बीमारियां आसानी से पूरी ग्रुप में फैल जाती हैं और परभक्षी जो होते हैं प्रेडिटर्स जो होते हैं वो आक्रम इनको जो झुंड होता है उनमें कोई न कोई कमज़ोर सदस्य अवश्य होता है तो आसानी से उसका शिकार कर सकते हैं तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज भी सोसाइटी के होते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ हनी बी सोसाइटी थैंक यू